भक्त प्रहलाद की नगरी एरज से गुरसराय तक निकाली गई भव्य कावड़ यात्रा। आपने अनेकों कावड़ यात्राएं देखी होंगी, परंतु आज हम आपको एक ऐसी कावड़ यात्रा दिखाने जा रहे हैं जिसमें छोटे बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों ने कावड़ यात्रा में भाग लिया और इस कावड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। सावन के चौथे सोमवार को भक्त प्रहलाद की नगरी एरज से गुरसराय तक कावड़ यात्रा में सैकड़ों कावड़िया बेतवा नदी से जल भरकर डीजे के साथ नाचते हुए भीमा शंकर मंदिर गुरसराय पहुंचे। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा में छोटे बच्चों द्वारा 25 किलोमीटर तक कंधे पर कावड़ रखकर पैदल चलना और एक भक्त की टोली द्वारा 55 किलो की कावड़ लेकर चलना आकर्षण का केंद्र बना रहा। कावड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाएं भी जल लेकर पैदल चल रही थी। एरज और गुरसराय एसओ ने भी पुलिस बल के साथ अपनी अपनी सीमा में कावड़ियों के साथ पैदल चलकर एक अनोखा मानवीय चेहरा दिखाया। श्वेता साहू उप जिलाधिकारी गरौठा एवं अरुण चौरसिया सीओ गरौठा एरज में व्यवस्थाओं की कमान स्वयं संभालते नजर आए। कार्यक्रम में बुलदेन खंड के निगमिनी योगी दिलीप नाथ भी मौजूद रहे। गुरसराय के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवरियों का भव्य स्वागत कर समाज में एकता की मिसाल कायम की। क्या कार्यक्रम है, कितने लोगों आने की संभावना है? ये जो है श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी है एरज, जहाँ भगवान विष्णु के तीन तीन अवतार हुए हैं। प्रहलाद जी की जन्म स्थली है, होली पर्व की उद्गम स्थली है। ये वास्तविक जो तीर्थ स्थली उसकी महत्व है और आज जाके साकार रूप में आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारे गुरसराय क्षेत्र से चल करके आदरणीय सुरेंद्र व्यास जी के कहले के उनके नेतृत्व में, उनके संयोजन में जितने भी श्रद्धेय कांवरिया हैं वो सब आज इस तीर्थ स्थली में आकर के परम पवित्र माँ बेतवा जी से जल भर करके गुरसराय में भीमा शंकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का ये जो आज पवित्र कार्य हो रहा है श्रावण मास के महीने में, ये इस प्रहलाद जी की नगरी की वास्तविकता को दर्शा रहा है और इस क्षेत्र में जो धार्मिक महत्व है उसका भी ये भव्य रूप में प्रदर्शन आप देख सकते हैं। आज यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कार्यक्रम होता है? यह पवित्र सावन मास का आज चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को यहाँ क्षेत्र के अधिकांश गांवों से गुरसराय गरौठा से तमाम से भक्त श्रद्धालु कांवड़ियों के रूप में यहाँ पर आके कलयुग की गंगा माँ विश्वामित्री से जल भरकर भोले बाबा जी का जलाभिषेक करते हैं और इसके लिए नगर पंचायती राज की ओर से साफ सफाई और तमाम उनकी श्रद्धाओं की व्यवस्था की गई। राजीव अकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 7th रैंक ऑफ MBA बाय AKTU, assured प्लेसमेंट्स अमंग टॉप नॉच ग्लोबल कंपनीज, रेगुलर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड गेस्ट लेक्चर्स, फ्रीक्वेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सिस्टमैटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग क्लासेस टू एनहांस कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल्स, टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड स्किल्स, अ लाइवली कैंपस लाइफ, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट AC इंफ्रास्ट्रक्चर amidst lush green and sprawling ambience.